स्टूडेंट दिस इज पंकज झेमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग एन्वायरमेंटल लॉ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जुडिश्री इन द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट जूर स्टूडेंट तो क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन जुडिशी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट के मैटर में कैसे हमारी जुडिशरी ने जो है एक्टिव जुडिशियल एक्टिविजन यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है देखिए इससे पहले आपने पी पढ़ा सेम क्वेश्चन है सेम सारे केसेस यहाँ पे भी यूज होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कौन कौन सी ऐसी जजमेंट दी हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है यही आप यहाँ पे पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखेंगे और हाई कोर्ट के केसेस देखेंगे यहाँ पर सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है टुडे द होल ह्यूमन रेस इज सफर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द एनवाइन पोल्यूशन पूरी जो आ, मानव जाति है वो संघर्ष कर रही है इस प्रॉब्लम से फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द प्रॉब्लम अरेंजमेंट वर डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनी एक्ट वज पास हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े सारे प्रोविजन किए गए आपने देखे आ, बड़े सारे क्रिमिनल ऑफेंस भी इसके अंडर बनाए गए और साथ में बड़े सारे एक्ट भी यहाँ पे जो है पास किए गए जैसे आपके पास वाटर कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट है आपके पास एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है द इवायरमेंट प्रोटेक्शन हैज स्ट्रेंथन द एडली एडिकुटली बाय द वे ऑफ दिस एक्ट तो एन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है इन एक्ट के थ्रू की गई है अलॉन्ग लेजिस्लेशन एंड कॉन्टीट्यूशन आर जुडिशलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन विधान पालिका पार्लियामेंट ने तो कानून बनाए ही है कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की इसके साथ जो है हमारी जुडिशरी ने भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है चाहे ताजमहल की सफाई हो चाहे गंगा की सफाई का मामला हो चाहे यमुना की सफाई का मामला हो चाहे किसी गांव को जो है स्वच्छ रखने की बात हो सभी जगह पे हमारी जुडिशरी ने एक्टिव जुडिशल जो है यहाँ पे शो uh, किया है और नंबर ऑफ केसेस में जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूशन पोल्यूट uh, होने से बचाने की कोशिश जो है वहाँ पे की है ड्यू टू द जुडिशल एक्टिविज्म मैनी रेगुलेशन आर इन्फोर्सड इट इज़ नॉट दैट द जुडिशल डिसीजनस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंसिडर द फंडामेंटल जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से ही जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर बना द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन सेफ्टी और ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ इन्वेसेज इन द डायरेक्टिवेंस ऑफ द स्टेट पॉलिसी वॉज हाउ बीन इंश्योर्ड जो है इसी की वजह से जो है नेचुरल uh, इन्वायरमेंट की सेफ्टी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है काबू किया गया थ्रू द डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही नंबर ऑफ़ टाइम बोला प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द वाइल्ड एनिमल्स इज कंसिडर्ड फंडामेंटल टू द सिटीजन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिटीजन की मानी गई है डायरेक्ट डायरेक्शन रिलेटेड टू द इवायरमेंट प्रोटेक्शन आर गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बड़ी सारी डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में टाइम टू टाइम दी है इसके अलावा वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन प्रीवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, एटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन आर पास इसके द्वारा ये भी लॉ जो पास की है और इस इन लॉज में बड़ी सारी जजमेंट जो है बड़े सारे जुडिशल एक्टिविज्म जो है जो है कोर्ट ने हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने शो किया है दीज आर द इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ जुडिशल एक्टिविजम प्रोटेक्शन ऑफ द इवायरमेंट नाउ वी विल स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन जुडिशरी इन द रेफरेंस टू द डिसजन ऑफ द वियरस कोर्ट्स अब हम जुडिशियर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म देखेंगे कैसे जो है जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है थ्रू द डिसीजन बहुत सारे डिसीजन इनवायरमेंट से रिलेटेड दिए गए और अपना कॉन्ट्रीब्यून यहाँ पे दिया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सबसे पहले देखेंगे आप ये सारे केस आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इनवायरमेंट एंड अलीड अलाइड एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एयर वाटर नॉइज इन इन्वायरमेंट हैज़ बिन स्ट्रेंथन बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द डिसीजन फ्रॉम द टाइम टू टाइम जो भी एक्ट बने हैं एयर वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन इवायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्ट बने हैं उनको स्ट्रेंथन किया है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जो है अपनी बड़ी सारी जजमेंट देके सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज़ इनिशिएटेड एफिशियटली इधर इट इज़ द केस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ताजमहल अस्टोरिकल मोन्यूमेंट और दस ऑफ द वाटर पोलूशन ऑफ द गंगा तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जो है इफेक्टिवली जो है शुरुआत की है चाहे मैटर जो है ताजमहल की डिग्रेडेशन का हो या फिर वाटर पोल्यूशन ऑफ द गंगा हो सभी केसेज में है जो है जुडिश सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट जो है की है द इंडियन काउंसिल फॉर द इनवागल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है सुप्रीम कोर्ट से दैट नाओ द टाइम हैज कम दैट द गवर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन और वलंट्री ऑर्गनाइजेशन शुड टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ये केस आप बार बार पढ़ रहे हैं इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि टाइम आ गया यह गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और वॉलंट्री ऑर्गनाइजेशन जो है स्टेप उठाएं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें uh, के एम चिनप्पा वर्स यूनियन ऑफ इंडिया ए आई टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेट था इन्वायरमेंट रेगुलेट रेगुलेशन शुड भी फॉलोड स्ट्रिक्टली एनी वायलेशन ऑफ दम क्रिएट सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था कि इन्वायरमेंट रेगुलेशन जो हैं जो कानून बने हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और अगर इनकी वायलेशन की जाती है तो इसको सिविल और क्रमिनल लाइबिलिटीज के दायरे में लाया जाए एम सी मेहता वसी यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ए आइट नाइनटीन नाइनटी टू सुप्रीम कोर्ट का इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गोवर्नमेंट टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड द नॉलेज ऑफ द पब्लिक टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट and it can be done by making environment compulsory in syllabus through the radio and telecommunications exhibiting slides in the cinema तो इस केस में supreme court ने एमसी महतावसी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया केस में ये duty थी government की कि वो pollution से related जो है awareness फैलाए education institution में आ, के syllabus में ये compulsory subject हो और इसकी जो एडवर्टीजमेंट जो है थ्रू रेडियो टेलीकोम्यूनिकेशन सिनेमा में स्लाइड शो के थ्रू की जाए तो अवेयरनेस करवाने की कोशिश जो है यहाँ पे की जाए दिस हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ़ एमसी सी मेहताबा यूनियन ऑफ इंडिया दैट इन द अरेंजमेंट ऑफ द एजुकेशन प्रोटेक्शन ऑफ इवामेंट मस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर वन आर अ वीक इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट वन आर पर वीक जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ाई वहाँ पे करवाई जाए वैन द वीक्युलर पॉल्यूशन स्मोक कॉज बैड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ इन द नेशनल कैपिटल रीजन डेली इन द केस ऑफ एम सी मेहता वर्स यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट वाइल इंपोजिंग द कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द कॉजिंग पॉल्यूशन इन डेली अरेंज एन सी जी सी एन जी व्हीकल्स तो इस केस में uh, जो व्हीकल uh, जो है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं स्मोक जो है बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करा कर दिया गया इस मेहता एम सी मेहता बस यूनियन ऑफ इंडिया केस में और सी एन जी व्हीकल को प्रोवाइड करने की बात वहाँ पर की तो देखिए एम सी मेहता बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इन्वायरमेंट इश्यूज़ के मामले में आप देखेंगे नंबर्स ऑफ केसेस आपको इसी के मिलेंगे इसके बाद ताजमहल से रिलेटेड एमसी सी वसी यूनियन ऑफ इंडिया का आपको पता ही है दो सौ बानवे मैनुफैक्चरिंग यूनिट जो ताजमहल के आसपास थी उनको वहाँ से शिफ्ट करके किसी और प्लेस पर शिफ्ट किया गया क्योंकि ताजमहल की जो ब्यूटी थी उससे जो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रही थी और ताजमहल जो हमारा एक बहुत ही हिस्टोरिकल जो है मोन्यूमेंट वहाँ पर है स्मारक जो है आ, आ, इसके अलावा एम सी मेहताविस कमलनाथ का केस भी है आ, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट वाइल कंसिडरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन वाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट हैज स्टेटेड दैट इन सच केस इंपोजिंग एन एलिस्ट्रेटिव पेनल्टी अपॉन पर्सन डिफॉल्टर फॉर द पोल्यूशन इज जस्टिफिकेबल तो इन्वायरमेंट के केसेस में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के केसेस में ये पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर है और यहाँ पे कोई लॉ की वायलेशन अगर करता है तो उस पर पे पेनल्टी वहाँ पर पे लगाना जो है एक अच्छा स्टेप वहाँ पे है और ये जस्टिफेबल स्टेप माना जाएगा इसके अलावा चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस के आर मजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ए आई टू थाउजेंड सुप्रीम कोर्ट का कैसे है द सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउड क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन इन द नेम ऑफ रिलीजन धर्म के नाम पर जो है नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करना सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बंद कराया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सारी ऐसी जजमेंट दी हैं जहाँ पर उन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है उन्होंने जो है जो है पी आई एल के थ्रू नंबर्स ऑफ केसेस के थ्रू जो है इसको करने की कोशिश की है इसके अलावा वेरियस हाई कोर्ट ने भी बड़ी सारी जजमेंट दी हैं उन हाई कोर्ट्स की जजमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई इन द केस ऑफ आर चंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2010 का केस है इट हैज़ बिन हेल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई दे द राइट टू लाइफ इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो द राइट टू लिव विद डिग्निटी तो जीने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट right ही नहीं है साथ में राइट टू लिव विद डिग्निटी वे सम्मान के साथ जीना भी है और इसके साथ जो है राइट टू यूटिलाइज फ्रेश एयर और अच्छी फ्रेश एयर गार्डन ग्रीनरी जो है यूज़ करने का राइट right भी इसमें आता है केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला था लॉ सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्सेस फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावल कोर केसेस में केरला हाई कोर्ट ने बोला दैट द फ्रेश इन्वायरमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ तो साफ इन्वायरमेंट जो है राइट ऑफ लाइफ जो हमारा आर्टिकल ट्वेंटी उसका एक पार्ट है दैट इज़ राइट टू लाइफ life पर्सन लिबर्टी बिकॉज द इजेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है कर्नाटका कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या बोला एल लक्ष्मति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है नाइनटीन नाइनटी टू का पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ कम्पल्सरी फॉर द ह्यूमन लाइफ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारा फंडामेंटल राइट right है अंडर द आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट ने भी बोला है मौलाना मुफ्ती सैयद एम डी नूरर रहमान uh, बरकाटी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए आई uh, आर का केस है एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैज़ राइट टू तो प्रोटेक्ट हिज ऑन एक्सेसिव अंडर आर्टिकल नाइनटीन क्लास वन एंड ट्वेंटी वन हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो अपने इस राइट को प्रोटेक्ट कर सके एक्सेसिव नॉइज से तो एक्सेसि नॉइज भी एक पॉल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन का पार्ट है तो उसको यहाँ पे रोका जा सकता है रोके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से टी दामोदर राव वर्सेज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद के केसेस में दैट द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गोवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड टेक इनिशियेटिव एक्शन इन दिस रिगार्ड तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है और उनको इसके रिगार्ड में स्टेप लेने चाहिए डेली कोर्ट ने फ्री लीगल एंड सेल वर्सेज एन सी टी डेली के केसेस में नॉइज़ पोल्यूशन इज डेंजरस टू द हेल्थ एंड प्रोहिबिशन अपॉन इट इज़ अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नॉइज पोल्यूशन जो है डेंजरस हेल्थ के लिए और उसको रोकना जो है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है आता है इसके अलावा हाई कोर्ट ऑफ गुजरात राज मिनरल वर्सिस स्टेट ऑफ गुजरात ए आई टू थाउजेंड ट्वेल्व का केस है इट हैज़ बिन हेल्ड बाई द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू राइट टू इन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर आल्सो तो इस केस में यही बोला कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड है कि आप जो है पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर भी इंजॉय करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है सैयद मकसूद अली वसी स्टेट ऑफ एमपी के केसेस में एनी ऑनर ऑफ होटल इन डज नॉट हैज़ अ राइट टू डिस्टर्ब पीस ऑफ नेबर्स किसी भी मकान के मालिक या फिर किसी भी होटल के मालिक को ये राइट नहीं है कि वो जो है जो उसके पड़ोसी हैं उनकी शांति को जो है वहां पे डिस्टर्ब करे इसके अलावा आपके पास आ, एल के कोलवाल वर्सिज स्टेट ऑफ राजस्थान है इसमें आर्टिकल ट्वेंटी एक्सपेक्ट मेंटेनिंग हेल्थ आर्टिकल 21 ये बोलता है कि आ, अच्छी हेल्थ क्लिनस एनवायरमेंट को मेंटेन भी करना है आ, हाई कोर्ट ऑफ द मुंबई राम नारायण माली वर्सिज एडिशन कलेक्टर थाने का केस है इट हैज़ हेल्ड बाय द हाई कोर्ट मुंबई द राइट टू प्रोटेक्ट इनवायरमेंट इज एन इंटरल पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ ए पर्सन लिबर्टी तो इस केस में यही बोला कि इन्वायरमेंट uh, को प्रोटेक्ट करना जो है वो राइट ऑफ लाइफ ए पर्सन लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन का जहाँ पे पार्ट है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आपके पास है विजय बंसल बसी स्टेट ऑफ हरियाणा ए आई टू थाउजेंड टेन का केस है इट हैज स्टेटेड दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वायरमेंट इज रिक्वायर टू बी टेकन फॉर लीज ऑफ माइनिंग इन एन एरिया कमिंग अंडर द फॉरेस्ट लैंड तो नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है जहाँ पे माइनिंग आप जो है फॉरेस्ट लैंड के अंडर यहाँ पे कर रहे हैं फ्रॉ द अबब डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द जुडिशियल हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट वाइडली इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एक्ट तो इन सभी केसेस ये क्लियर होता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट सभी ने जो है अपना जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे दिखाया है और नंबर ऑफ टाइम जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई है थैंक यू सो मच